डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवेंद्र फ्रॉम YCS सुल्तानपुर। स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन के पार्ट टू की बात करेंगे। पहले वीडियोस में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन बताया और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन बताया आपको। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने बताया कि इंटीग्रेशन टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर हमने बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे और उसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, ये सब बातें हमने पहले वीडियोस में बताई। और फिर उसके बाद हमने बताया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद एक कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सी ऐड करते हैं, क्योंकि ये कैसा इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ हम नहीं करते, क्योंकि वो क्या होते हैं, लिमिट से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। उनमें लिमिट लगी होती है, जिस कारण से प्लस सी वहां पर भी लगाया जाता है, बट बाद में रूल्स जो होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उसके अकॉर्डिंग वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी आप फंक्शन को सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स प्लस सी आप सॉल्व कर देंगे। अगर सी आप नहीं लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आज हम लोग कुछ फार्मूले की बात करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आपका इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन को हमने बताया था कि ये एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है, मींस इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन नोन एज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें पावर्स को रिड्यूस करता है, बट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये पावर्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसा कि अभी आज आप देखेंगे, तो जनरल हम एक इंट्रोडक्शन अगर देते हैं इंटीग्रेशन में, चलिए इंटीग्रेशन में आज हम लोग बताएंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जैसे हमने बताया था, क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया है किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। कोई भी फंक्शन होगा, किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स आपका इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस सी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन भी देख ले थोड़ा इंट्रोडक्शन एज इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी से आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, मतलब आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आप एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे सेकेंड टाइप की, टाइप टू आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में यह भी आपका जो है इस टाइप का होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट यहां पर जो होता है वो क्या होता है, ए टू बी, यही होती है लिमिट्स, ठीक है। ये क्या होती है, इंटीग्रेशन की लिमिट होती है डेफिनिट इंटीग्रेशन में, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं आपका अपर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मींस इसी के थ्रू जब आप इंटीग्रेट करेंगे, तब जो आप इनडेफिनिट में आप लगाते थे क्या प्लस सी कांस्टेंट, यहां पर आपको नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली एफ डैश एक्स, लिमिट वगैरह रखने के बाद एफ डैश एक्स ऑफ क्या जाएगा, ए टू बी, ठीक है। अब उसमें वैल्यू आप रख कर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। बट यहां पर आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे किस पर, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर, इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, इस टॉपिक पर आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब फार्मूला, एक फार्मूला है सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है।
सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले में आपने क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। जैसे आपका कोई भी वेरिएबल है और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में है और एक्स का ही फंक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये जो कंडीशन है ये किसके लिए डिफाइन नहीं है, फॉर एन इज इक्वल्स टू एन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, एन इज इक्वल टू माइनस वन के लिए ये प्रूफ नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो माइनस वन प्लस वन जीरो बन जाएगा और एनी नंबर अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पर एन इज इक्वल टू माइनस वन के लिए ये प्रूफ नहीं है। ठीक, ओके। अब इसी पर अब आपने क्या देखा, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक, अब आप लोग यहां पर देखिए, जैसे हमने लिखा, इसको थोड़ा फार्मूला समझ लीजिए फिर उसके बाद प्रॉब्लम करते हैं। x टू द पावर n dx, यहां पर हम कहेंगे x फंक्शन का हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फार्मूला x टू द पावर n के फॉर्म में लगता है। बाय द वे, आपका यही क्वेश्चन अगर l टू द पावर n लग जाएगा और ये dx होगा, तब आप कहेंगे l का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तब यहां पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब x फंक्शन के, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, अगर आपका fx उसी के फॉर्म में है तब वो इंटीग्रेट हो जाएगा एज इट इज, जैसे फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज जो भी फंक्शन होगा, जैसे कि आपका l टू द पावर n है, तो इसमें ये क्या मान लिया जाएगा, कॉन्स्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फंक्शन आपका किसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, और fx भी आपका किस टाइप का फंक्शन है। ठीक, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे प्रॉब्लम वन की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स। अब देखिए एक्स क्यूब डीएक्स है, तो एक्स क्यूब डीएक्स को क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर एन, एन की वैल्यू थ्री है, माइनस वन नहीं होगी, क्योंकि माइनस वन हो जाएगी तो ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं होगा, तो एक्स टू द पावर थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन। अब फिर हमने आपको बताया ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इस कारण से आप क्या लगा दोगे, प्लस सी, देन एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। ये सी है क्या, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, और ये जनरली यूज होता है किसमें, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टू डीएक्स। अब देखिए 1 बाई टू डीएक्स, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ये वाला, रूट ऑफ एक्स डीएक्स, तो रूट ऑफ एक्स डीएक्स को क्या, एक्स टू द पावर 1 बाई टू लिख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू प्लस 1 प्लस सी, देन इंटीग्रेट, देखिए जब आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो ये इंटीग्रेशन साइन नहीं लगेगा। अब इसको क्या करोगे आप, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा, 2 1 2 3 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 आ गया। अब 3 बाई 2 और प्लस सी, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आपका, रिजल्ट हो जाएगा क्या, रिजल्ट आपका हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स 2 बाई 3, ये क्या जाएगा 3 अपॉन 2, ये 2 आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 3 आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और x टू द पावर कितना आ जाएगा 3 बाई 2 प्लस सी। ये आपके कौन से क्वेश्चन, रूट ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स का सोल्यूशन है, और प्लस सी क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस फार्मूले पे सॉल्व किए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रॉब्लम 3, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, और जब रूट ऑफ एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स इट्स होल स्क्वायर,
तो इसको पहले आप a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर फार्मूले अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे फंक्शन का। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, हो गया। यहां पर आपने क्या देखा, ए स्क्वायर रूट एक्स में एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर वन अपान एक्स हो गया, माइनस टू ए बी में रूट रूट और रूट एक्स और वन बाई रूट एक्स में दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। अब इसी को आप क्या कर लीजिए, इसी को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे, यहां पर एक टर्म आया है वन बाई एक्स, ठीक, वन बाई एक्स आया है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर अभी आगे आप सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डीएक्स, ठीक है, और माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। तो यहां पर आपने देखा कि जो फार्मूला आज हमने बताया है, कौन से फार्मूले की बात की, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स को हमने सॉल्व किया, तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है x टू द पावर n, तो क्या लिखोगे, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। बट यहां पर आपका जो है ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 1 बाई एक्स है और x टू द पावर n न्यूमरेटर में ले जाएंगे माइनस 1 होगा, तो x टू द पावर n फार्मूला x टू द पावर माइनस 1 के लिए प्रूफ नहीं होगा। इसके लिए दो नए फार्मूले आएंगे, और ये भी क्या है, dx है, ओनली dx है, और जब ओनली dx होता है तो तब उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इन सब वीडियोस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब इस क्वेश्चन को हम अगेन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमने जो फार्मूला बताया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन में आपका 1 बाई एक्स और 2 dx, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट इंट्रोडक्शन आपको फॉर्मूले का किसका देंगे, 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx क्या होता है, ठीक है। तो इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें हम, चलो चलो इसी में ही आपको बता दिया जाता है कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड x, क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या हो जाता है log ऑफ मॉड x, एंड और दूसरा फॉर्मूला क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू dx लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहां पर भी क्या लगा दीजिएगा, प्लस c, और यहां पर भी क्या लगा दीजिएगा, प्लस c, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 0, और एनी नंबर पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 तो 1 ही आएगा, तो मींस क्या जाएगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1 मींस क्या जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, जनरली dx हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 1 में आप 0 प्लस 1 करेंगे तो x हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 मींस 0 प्लस 1 का x बन जाएगा, ठीक। अब यही वैल्यू पुट करिए यहां पर, तो क्या जाएगा, यही वैल्यू यहां पे पुट करिए, log mod x माइनस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या हो जाएगा, x प्लस c। तो ये सॉल्यूशन हो गया कौन से क्वेश्चन का, ये आपका सॉल्यूशन हो गया जो आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कौन सा, ये जो अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ये वाले क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का ये क्या है, आंसर है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमने इसको क्या किया, a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर फार्मूला सॉल्व किया, फिर फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने इसमें क्या लगाया, x टू द पावर n dx इंटीग्रेशन का फार्मूला, फिर 1 बाई एक्स में log ऑफ मॉड x का फार्मूला लगाया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx में हमने इंटीग्रेशन ऑफ dx का फार्मूला x प्लस c लगाया, और फिर लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए, अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करिएगा और फिर बताइएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन किस फार्मूले पे सॉल्व किया, log ऑफ 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन dx पर, कि dx पर इंटीग्रेशन ऑफ dx पर, कि आपका x टू द पावर n dx।
आईटी एक्सपर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं देता हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस होल स्क्वायर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व, ठीक है। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग, और एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको क्या बताएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, और भी वीडियोस को देखने के लिए, और भी सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली आपको देखना हो, तो YCS सुल्तानपुर में विजिट करें और सब्सक्राइब करें। और ये एक चीज ध्यान रखें कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन का मींस क्या होता है कि वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, आप लोगों तक वो मैसेज जाता नहीं, और जब बेल आइकन आप लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो मैसेज आप लोग को जाता है, और फिर तुरंत आप उस वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।